हाईकोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आया है। करीब 10 याचिकाएं एक साथ निर्णीत हुई हैं, उसमें मेरा ख्याल है सैकड़ों डीएलएड कैंडिडेट्स ने याचिका प्रस्तुत करी है। उन्होंने बीएड कैंडिडेट्स की प्राइमरी स्कूल टीचर में नियुक्ति को चुनौती दी है, इस आधार पर कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देवेश शर्मा के केस में 11/8/2023 को आई, जिसमें ये होल्ड किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि बीएड कैंडिडेट्स को कोई अधिकार नहीं है, कोई उनका अधिकार नहीं है, क्वालिफाई फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स, परंतु ये जजमेंट प्रोस्पेक्टिव थी, भूतलक्षी प्रभाव से नहीं थी। तो ये उनका चुनौती जो है हाईकोर्ट में आज खारिज हो गई है। उसमें एक बात और है कि जो इंटरिम रिलीफ जिस केस में मिला था केसरी नंदन साहू में, उसके दोनों के दोनों याचिकाकर्ता गण जो है उनकी नियुक्ति हो चुकी थी, तो इसलिए उनका लोकस भी, उनका चुनाव चुनौती देने का अधिकार भी हाईकोर्ट के मन में शायद ये भी एक बात महत्वपूर्ण रही। और उनका जो ये जो डीएलएड कैंडिडेट्स थे वो ये एक आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कि इनकी बीएड के कैंडिडेट्स की नियुक्ति से हमारी जो सीनियरिटी है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इनमें से बहुत से लोग हमारे से ऊपर मेरिट में होंगे। ये वाले आर्ग्यूमेंट को हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और डीएलएड कैंडिडेट्स की पूरी याचिकाएं खारिज हो गई हैं, कोई भी अनुदोष नहीं मिला। हालांकि शब्द का उपयोग किया डिस्पोज्ड ऑफ, परंतु ये स्पष्ट है, मैंने याचिका का पूरा ऑर्डर पढ़ा, संक्षिप्त आदेश है कि उनको कोई भी अनुदोष नहीं मिला, सभी याचिकाएं खारिज हो गई। बीएड के कैंडिडेट्स जो प्राइमरी स्कूल की टीचर के रूप में नियुक्त हुए हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा समाचार है, मेरे वकीलों के लिए अच्छा समाचार है। वेरी गुड।